एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके कर्मचारी उन्हीं की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स सरकारी अधिकारी है, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना इन्हें महंगा पड़ गया। चूंकि मनोज कुमार जिन्होंने ठेका लिया हुआ था वो अपने वैध कार्य के लिए रिश्वत देना नहीं चाहते थे, उन्होंने एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में इसकी शिकायत की, जिस पर वहाँ की टीम ने एक एप्लीकेशन मूव कराया इनसे श्रीमान डीआईजी महोदय के समक्ष। डीआईजी महोदय ने इसकी एक जांच करवाई गोपनीय, अलग इंस्पेक्टर साहब ने इसकी जांच की। गोपनीय जांच के बाद ये पाया गया कि नहीं, इनकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, ये इनकी रिश्वत लेने की शिकायत आम है। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया के नवीन मंडी का है, जहाँ पर सफाई कर्मियों के ठेकेदार मनोज कुमार ने मंडी सचिव के खिलाफ एंटी करप्शन की टीम से शिकायत की थी कि सफाई कर्मियों के बिल पास कराने के नाम पर उससे 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम चौकन्ना हो गई और समय रहते मौके पर से मंडी सचिव को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इनके घर पर मनोज कुमार जी को भेजा गया, ये अपने घर से बाहर आए, टीम अगल बगल अलग अलग जगहों पर छद्मवेश में लगी हुई थी। मनोज कुमार जी ने इनसे बातचीत किया, बातचीत के बाद जब पैसा इन्होंने अपने हाथ पकड़ा, रिश्वती नोट जब इन्होंने अपने हाथ पकड़ा, जिस पर ऑलरेडी पहले से केमिकल का ट्रीटमेंट हम लोगों द्वारा किया गया था, उसी समय हम लोगों द्वारा इनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इससे पहले भी मंडी सचिव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं, इस बार एंटी करप्शन टीम के रडार पर आने के बाद उसकी गिरफ्तारी निश्चित थी, लेकिन इस तरह से रंगे हाथों पकड़ा जाएगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।